स्टूडेंट, सेकेंड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे व्हील एंड एक्सल से रिलेटेड. हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द व्हील एंड एक्सल इज 2.5. हाउ मच एफर्ट विल हैव टू बी अप्लाइड फॉर लिफ्टिंग अ बाल ऑफ कॉटन वेटिंग 500 kg व्हेन द रेडियस ऑफ द व्हील इज 30 cm? आल्सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द एक्सल. अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास जो इस स्टेटमेंट से हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास कौन सी चीज़ें हमें गिवन हैं और कौन सी हमारे लिए अननोन है जो कि हमने फाइंड आउट करनी होंगी. सबसे पहले हमें गिवन है मैकेनिकल एडवांटेज, यानी कि वो एडवांटेज जो कि हम मशीन से हासिल करते हैं. और इस केस में हमारे पास जो मशीन है वो हमें व्हील एंड एक्सल है. ठीक है, व्हील एंड एक्सल जिस तरह से आपको फिगर में दिखाया जा रहा है कि हमारे पास व्हील एंड एक्सल जो है वो इस तरह के हमें दिखते हैं, जिसमें एक हमारे पास एक जो व्हील होता है वो बड़े रेडियस की एक हमारे पास सर्कुलर शेप में हमारे पास होता है जैसा पहिया है, और उसमें से एक अंदर से एक रॉड गुजर रही होती है जिसे हम एक्सल का नाम देते हैं. ठीक है, और रोप जो होता है यानी कि रस्सी जो होती है वो व्हील के ऊपर से रोप होके जो है एक्सल के ऊपर से एक्सल के ऊपर भी उसके टर्न्स होते हैं, और फिर एक उसके एंड पे आप जो है लोड को रखते हैं और दूसरे एंड पे आप एफर्ट लगा रहे होते हैं. अगर आप एफर्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि रोप को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेंगे तो आप एज अ रिजल्ट जो आपका लोड है वो लिफ्ट अप करने के आपके काम आएगा, यानी कि आप हैवी लोड्स को जो है वो इसके जरिए उठा सकते हैं. ठीक है, अच्छा, अब जिस तरह से हम जैसे बकेट है पानी कुएं से पानी निकालना है तो वो भी उसके लिए भी हमारे पास ये सिंपल मशीन जो है जो कि व्हील एंड एक्सल कहलाते हैं यूज होती है. अच्छा, अगर हम देखें तो अब हमारे जो एफर्ट है इस केस में एफर्ट जो है वो कहता है हाउ मच एफर्ट विल हैव टू बी अप्लाइड फॉर लिफ्टिंग अ पैला ऑफ कॉटन. ठीक है, अब आपने एफर्ट फाइंड आउट करनी है कि आपने कितनी एफर्ट आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और आपने एक कॉटन का जो बंडल होता है जिस तरह से वो आपने उठाना है, जिसको मैंने व्हाइट कलर से यहाँ डिनोट कर दिया कि ये हमारे पास बेसिकली लोड है. ठीक है, ये वाली ये चीज़ जो है इसको मैं ये हमारे पास जो है ये कॉटन का एक बंडल है जिसका वेट जो है यानी कि लोड आप जो आपने जो आप उठाना चाह रहे हैं बेसिकली उसका जो वेट है यानी कि उसका मास हमें गिवन है जो कि 500 kg के बराबर है. ठीक है, अच्छा, अब आप देखें कि हमें रेडियस ऑफ द व्हील भी दिया हुआ है. रेडियस ऑफ द व्हील जो है स्टूडेंट्स, अगर मैं उसको यहाँ से डिनोट करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेंटर यानी कि इस व्हील का सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास रेडियस कहलाता है, और उसे मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रही हूँ जो कि इस केस में हमारे पास 30 cm हमें गिवन है. और जो स्मॉल एक्सल है यानी कि ये जो एक्सल है इसका जो रेडियस है यानी कि इसका सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस वो स्मॉल आर से डिनोट कर रही हूँ, और ये भी हमारे लिए अननोन है यानी कि आल्सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द एक्सल ये आपने फाइंड आउट करना है. तो वहाँ पर दो अननोन क्वांटिटीज हैं जो कि हमने कैलकुलेट करनी है. अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे. उससे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास आइदर जो सारी क्वांटिटीज हमें गिवन है वो ऐसा यूनिट में मौजूद है या नहीं. तो हम देख सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज तो हमारे पास एक यूनिटलेस क्वांटिटी है. मास हमें केजी में गिवन है जो कि हमारे पास मास का केजी जो है वो ऐसा यूनिट है, लेकिन सेंटीमीटर हमारे पास ऐसा यूनिट है तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे. 1 meter जो है हमारे पास 100 cm के बराबर होता है, तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगी 100 से तो हमारे पास आंसर आता है 0.3 meters. ठीक है, अच्छा, या सिंगल मतलब केस में हमारे पास ये कैलकुलेशन थी. अब सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं स्टूडेंट, सोल्यूशन जिसमें हम इसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. अब सबसे पहले हमने एफर्ट फाइंड आउट करनी है. मैकेनिकल एडवांटेज जो है स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूला जो हमारे पास जनरल फार्मूला वो हमारे पास क्या है, लोड लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट. ठीक है, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट है. और अगर आपने एफर्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसी ये वाला जो आपके पास रिलेशन है इसके जरिए आप एफर्ट जो है वो निकाल सकते हैं. एफर्ट जो है वो हमारे पास किसके बराबर आएगी, लोड डिवाइडेड बाय मैकेनिकल एडवांटेज. ठीक है, यानी कि आपने इस को आप जो है लेफ्ट साइड पे लेके उनके आपके पास राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब अगर हम देखें तो लोड हमें नोन नहीं है, यहाँ हमें मास गिवन है इसका यानी कि जो कॉटन का बंडल है उसका हमें मास गिवन है, लेकिन उसका हमें हमें लोड नहीं गिवन. और लोड जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली वो फोर्स जो कि एक्ट कर रही होती है जो कि हम ऊपर की तरफ जिसे हम उठाना चाह रहे होते हैं. ठीक है, अब अगर हम लोड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लोड हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वेट जो है वो हमारे पास इस केस में लोड होगा, यानी कि वेट इज इक्वल्स टू लोड होगा जो कि हमारे पास वेट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एम जी के बराबर होता है, एम जी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं. और ये जो है इस लोड को हम बेसिकली ऊपर की तरफ उठाना चाह रहे हैं जो कि 500 kg का हमारे पास उसका मास है, और जी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 10 m/s². तो लोड का जो आंसर आएगा वो हमारे पास न्यूटन्स में आएगा और ये हमारे पास 5000 बन जाता है.
ठीक है, 5000 न्यूटन्स। सही, तो लोड हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसमें वैल्यूज इनपुट करते हैं, यानी कि एफर्ट जो कि हम निकालना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स। एफर्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, लोड जो कि हमारे पास 5000 न्यूटन्स का है, और डिवाइडेड बाय मैकेनिकल एडवांटेज हमें कितना गिवन है, 2.5। ठीक है, अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, 2000 न्यूटन्स। ठीक है, ये भी हमारे पास न्यूटन में आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लोड और एफर्ट जो है दोनों हमारे पास फोर्सेज हैं जो कि बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं जब हम चीज़ों को ऊपर या नीचे लेके जाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें, ये हमने स्टूडेंट्स ये पहली कैलकुलेशन हमने कर ली है जिसमें हमने एफर्ट फाइंड आउट कर लिया। सेकेंडली हमने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, सेकेंडली अगर हम देखें तो हमने इसका रेडियस फाइंड आउट करना है एक्सल का। ठीक है, अब हमने मैकेनिकल एडवांटेज का एक और फार्मूला जो कि व्हील एंड एक्सल के केस में हमने पढ़ा था, वो हमारे पास कैपिटल आर डिवाइड बाय स्मॉल आर है। यानी कि कैपिटल आर स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियस ऑफ द व्हील है, और स्मॉल आर जो है वो हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द एक्सल। अब रेडियस ऑफ द एक्सल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर रखूंगी और राइट हैंड साइड पे जो है वो मैं मैकेनिकल एडवांटेज को डिवाइड कर दूंगी, ऑपोजिट साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर हम वैल्यूज इनपुट करें तो आर की वैल्यू हमें नोन है जो कि 0.3 मीटर्स है, और मैकेनिकल एडवांटेज 2.5 है जो कि एक यूनिटलेस क्वान्टिटी होती है। तो हमारे पास जो आंसर आता है स्टूडेंट्स वो कितना आता है, 0.3 डिवाइड बाई 2.5, तो आप कर सकते हैं 0.12 मीटर्स। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, 0.12 मीटर्स। ठीक है, इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें सेंटीमीटर्स में तो आप अगर मतलब कि वैसे तो बेहतर यही है कि आप ऐसे यूनिट्स में ही रहने दें, लेकिन अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो आपके पास 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका, आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने जो है वो दोनों अपनी अननोन क्वांटिटीज जो है वो सॉल्व करनी है, और प्रॉब्लम हमारा जो है वो हल हो गया।